ये देखो चलेगा यहाँ से का शांति गाना शुरू। ओके याद करके बोला है तो लाइक कर देना। ये डिग्री जरा इकट्ठे करो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह अपना देखो सब उठ के तैयार वायर हो रहा है अपना इधर इधर जल्दी जल्दी, और 8:55 में अपना ट्रेन है दिल्ली का, पता नहीं कौन सा स्टेशन है वहाँ से ट्रेन है अपना, और फिर 6-7 घंटे का रास्ता है जयपुर के लिए। पहला हम जयपुर जा रहे हैं, उसके बाद कहीं और, लेकिन जयपुर एक दिन का ट्रिप रहेगा, तो देखो कहाँ कहाँ घूमते जयपुर। अभी तो भाई ट्रेन 5 बजे तक जयपुर ही पहुँचना है, तो अभी देखो फुल वीडियो इन्जॉय करो, जो भी देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो। हो चुका है अपना फुल तैयारी, सबका बैग वैग रेडी है और अभी निकलेंगे। अभी रुको, एक और लड़का का इंतजार कर रहे जो अपने साथ ट्रिप पर रहेगा, दिखाएंगे कृष्णा, मालूम ही होगा भाई, फिर पूरा पुराना ट्रिप भी हम लोग के साथ ही था। और देखो बारिश हुआ पड़ा है नोएडा में सुबह सुबह, तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे 10 मिनट बाद देखो कैब वैब करते हैं, फिर रेलवे स्टेशन चलेंगे, रेलवे स्टेशन से राजस्थान चलेंगे जयपुर। Let's trip begin. तो निकल चुका एक ही बैग है और अपने बैग क्या? Let's trip begin. हाँ तो मेरा अंग्रेजी ग्रामर सुधारना है का ट्रिप में, तो बस सभी निकल रहे हैं गाइस नीचे। तो देखो सब कुछ तैयार है और अपने साथ जुड़ चुका है दिल्ली का छोरा कृष्णा भाई। पुराने ट्रिप पे अपने साथ था, तो बस अभी गाइस स्टेशन चलते हैं, उसके बाद देखो जयपुर पहुँचाते हैं। अली अपर ट्रिप बिगिन भाई, हर हर महादेव, बस ट्रिप अच्छा जाए। मेट्रो में तो देखो गाइस पहली बार ये नया स्टेशन है हम लोग दिल्ली में, दिल्ली सराय रोहिला, तो यहीं से भी हम लोग को ट्रेन मिलेगा जयपुर के लिए। हर हर महादेव, थोड़ा पूजा कर रहा है मैंग और सब बढ़िया। भगवान का बहुत लंबा सफर हो गया भाई, जानते भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं ट्रिप से पहले, सब लोग तो रुक रही है। हाँ तो बस अभी देखो अपना ट्रेन पता नहीं कितना देर में आएगा, 8:55 में अभी है, आधा घंटा हम लोग पहले पहुंच गए, पहले ही पहुंचना ठीक रहता भाई, जा रहे हैं अब दूर तो उसको हम भी करके आते हैं फिर हम लोग का भाई। ट्रेन यही है वैसे लगा हुआ है देखो स्टेशन पे, बस देखो अपना ट्रेन ही है, अपना सीट इधर, तो बॉयज आर सेटल डाउन। बस अभी खुलने में टाइम है तो बाहर ही रहते हैं। तो बस भाई अपना सफ़र है यहाँ 5 घंटा का जयपुर तक, देखो क्या क्या करते हैं, कुछ वैसा खास तो करेंगे नहीं ट्रेन में, लेकिन देखो। तो बस अभी सब सेटल डाउन हो चुका है अंदर में, मस्त सीट है अपना जो भी है, खुलेगा अभी 10 मिनट में देखो। तो खुल चुका है अपना ट्रेन, चल रही है। तो आधा घंटा और लगेगा गाइस, सो गया था, व्हाट सोता है उठता है चालू रहता है, तो और क्या, मस्त नींद मारे, मस्त नींद तो घंटा और लगेगा दोस्तों, जोर से जय माता दी। दोस्तों उतर चुके हम लोग जयपुर स्टेशन, अब गर्मी इतना है कि फाड़ दिया तुम क्या बोले, भयानक गर्मी है भाई, भयानक गर्मी। तो बस गांधीनगर स्टेशन का नाम है, अभी उतर के जा रहे हैं हम लोग स्टे करते हैं पहले, उसके बाद वहाँ से आगे देखो उसके बाद क्या है। अच्छा तो रो हुआ काम बोले भैया। तो बस निकल रहे भाई बाहर, तो यहाँ पे सीन ऐसा भाई ऑटो किए और अभी निकल रहे हैं, और निकल कहाँ रहे हैं, यहीं पे एक दोस्त का नानी घर है, तो होटल का अपना खर्चा बच गया, वहीं अब हम लोग स्टे कर रहे हैं, बस वहाँ सामान रखेंगे फ्रेश होंगे और फिर निकल पड़ेंगे घूमने। तो चलो भाई चलेगा यहाँ से शांति खाना शुरू। देखो मस्त फ्रेश फ्रेश हो गए और रुके हुए हैं भाई उसके नानी घर में कृष्णा के, और अभी नाश्ता वास्ता करके निकल, मतलब खाना खा के निकलते हैं घूमने फिरने, क्योंकि अभी जस्ट आए हैं, सब अभी रेडी हो रहे हैं, और देखो 3 बजे तक भाई निकल जाएंगे यहाँ से, 1 बजे तो, और अभी तक कुछ खाए तक नहीं है सुबह से, तो अभी खाएँगे सबसे पहले तो पेट पूजा जरूरी है, क्योंकि सुबह ही ट्रेन पकड़ लिए थे, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं खा पी के, तब से शुरू करते हैं फिर ब्लॉगिंग। जा रहे भाई मोटी डूंगरी और बिरला टेम्पल, दो जगह का ये ब्लॉग में दिखाते जो बहुत मुश्किल से याद करके बोला है तो लाइक कर देना। नहीं भाई ऐसा ऐसा नाम ही है ना तो कैसे बोलेंगे, मोती डूंगरी और बिरला टेम्पल। ये डिग्री जरा इकट्ठे करो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हां के लिए तो नया लाना। हां वही तो मैं कह रहा हूं, अलग अलग आ चुके हैं मोटी डूंगरी
मोती डुगरी। और अभी यहाँ पर भाई एक चीज मालूम चला, चलो बताते हैं आगे जाके दिखा के। देखो भाई मोती डुंगरी सबसे फेमस जगह, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, शिव जी का मंदिर है शिवरात्रि के दिन, सिर्फ एक दिन साल में, और लाखों जन जमा होते हैं भाई देखने को सोचो। तो बगल में एक और मंदिर है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर, वो मंदिर नहीं जा रहे, शिव जी का मंदिर, सावन में भी नहीं खुलता वो। देखो भाई देखो, यही है वो मंदिर हनुमान जी का है। पहले दर्शन करते हैं फिर बाहर आकर दिखाते हैं। देख लो भाई कितना सुंदर सा मंदिर, जय गणेश भगवान। देखो भाई प्रसाद आ गया अपना, ये बहुत स्पेशल प्रसाद है और ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का हनुमान जी का मिष्ठान। तो बाकी अभी उन लोग दर्शन कर रहा है, मेरा हो गया दर्शन। और देखो बस पहला भाई हम लोगों ने कवर कर लिया हनुमान मंदिर, और भाई मोती डिंगरी तो बंद है, इसका प्रसाद चल रहा है। देखो नेक्स्ट भी एक मंदिर बगल में ही, तो वहाँ घूम लेते हैं, फिर एक और जगह निकलना है पार्क एक जगह। दूसरी जो मंदिर जाने वाले थे वो भी बंद है, 4 बजे खुलता है, तब तक उधर अपना कुछ हेल्दी। और इधर देखो भाई इतना बढ़िया बढ़िया सामान है। तो भाई 4 बजे गेट खुलने रहता है और भीड़ देखो कितना हो जाता है, पता नहीं। तो यही है मोती डूंगरी, तो अभी चलते हैं अंदर। देखो वो खुल चुका है, बहुत सुंदर मंदिर है, तो अंदर ही चल के फुल भ्रमण देते हैं। ये देखो भाई सुंदर मंदिर है, बढ़िया। ऊपर सारे मंदिर एक ही जगह है सारा जितना भी। ये देखो तो हो गया दर्शन हम लोग का, और देखो कितना सुंदर सा मंदिर है, कितना सुंदर। देखो भाई जयपुर में बारिश जैसा मौसम कर दिया है और अभी हम लोग यहीं हैं, नाइस भाई। हवा तो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, जो मौसम कर दिया ना जयपुर का इतना मस्त, देख रहे हो बादल। और अभी रात भर घूमना है उधर, तो पहाड़ वहाड़ है, और अभी इधर ही है, अंदर में भजन चल रहा है कुछ। आए कोई बाबा भाई, अब आज का वीडियो को यहीं एंड कर, आज का नहीं मतलब आज का आधा वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर रात का कल सुबह फिर दिखने वाला है ब्लॉग, अभी तो इसको डाल दूंगा 6 बजे तक बस। तो यहाँ से निकलते हैं अब थोड़ी देर में, और पार्क वार्क अब जाते हैं तो उधर का अलग दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। बस प्यार दिखाते रहो, सब्सक्राइब कर दो भाई, देख लो अभी ट्रैवल से शुरू हुआ है, 3-4 दिन तक अभी पूरा चलेगा राजस्थान का, तो बस प्यार दिखाते रहो, इसके सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।